जी सलामकुम। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट जो डॉक्टर अफान के सर के खिलाफ चल रही होती है कि डॉक्टर साहब पहले पिज्जा खुद मंगवाते हैं फिर खाते हैं उसके बाद वीडियो बनाते हैं। चले आए आज आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खा रहे हैं। हम मौजूद हैं इनके स्टूडियो में और ये इनके घर से मिक्स वेजिटेबल्स और एयर फ्राई में बने कबाब आए हैं और मल्टीग्रेन की रोटी जो मैं खा गया। यस, तो ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि हमें जो बताते हैं और ये वही करते हैं। तो खुदारा क्रिटिसाइज करने से पहले आप बंदे की प्रैक्टिकली डाइटरी रूटीन देख लिया करें। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपकी जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं डॉक्टर अफान के से रिलेटेड वो खत्म हो जाए। यार सारा दिन तो मैं लंच बॉक्स उठा के फिर रहा हूं और ये लंच बॉक्स ही मेरा सेवियर है। मैंने आज एक खातून की वीडियो अपलोड करूंगा अपने पेज पे। उस बंदी ने सारी जिंदगी पिज्जा नहीं खाया, समोसा नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। 65 साल उसकी उम्र है, ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर था, ना डायबिटीज, ना कोई और कोई मसला नहीं था उसको। और 27 साल के एक लड़के की वीडियो की है जो शुगर, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, 127 किलो वजन के साथ लड़ रहा था। और वजह, ये लंच बॉक्स हम साथ नहीं रखते। ये अगर आप साथ रखें, अभी भी मैंने स्टूडियो सामने था ये घर, तो मैंने बेगम को फोर्स कर करके जिसके मेरा जल्दी से मेरा लंच बॉक्स नहीं आया, ये ना है, मैं फिर मर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे हाइपो हो रहा होता है। और ये गवाह इस बात के कि मैं जो है बार बार फोन कर रहा था कि मेरा लंच बॉक्स नहीं है। और बदकिस्मती से हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो टिफिन लेके जाना पसंद नहीं करते। अगर इस उम्र का बंदा जो एक सोशल मीडिया की सेंसेशन है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहा है, वो अपने साथ टिफिन रखना पसंद करता है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए लम्हा फिक्री है। तो खुदारा 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 अपने साथ टिफिन बॉक्स रखना शुरू करें और वो खाएं जो आपकी सेहत के लिए। टिफिन में समोसे, पिज्जे, पकौड़े नहीं डालने, टिफिन में वो घर का बना हुआ डालना है, जो माँ बनाए वो डालना है, कोई चिप्स या कोई गंद बला नहीं डालना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।